कहा जाता है कि नॉट ऑल हीरोज वियर कैप्स। ऐसे ही कुछ हीरोज़ की आज हम बातें करेंगे। जब से देश में और हमारे राज्य में COVID-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ है, तब से लेकर हमारे जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, सभी मिलजुल कर इस COVID-19 को ख़त्म करने की मुहिम पर लगे हुए हैं। इन सभी कोविड वॉरियर के बीच ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कंधों से कंधे मिलाकर और अपने परिवार एवं अपनी जान की परवाह किए बिना इस COVID-19 पेंडेमिक में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, ऐसे ही एक हीरो से आज हम बातें करते हैं। मेरा नाम है तोमो अते, वो एलोंग अरुणाचल प्रदेश वेस्ट यंग से है। मेरा यहाँ इसमें तो लगभग मेरा 2 महीना हो गया इसमें। ये हॉस्पिटल में जब से ये शुरू हुआ है 16 अगस्त, इसमें तो ये टाइम टेबल हिसाब नहीं है, 24 आवर्स ही है इसमें ना। तो आपका मेरा तो यहाँ से ड्यूटी वो है, डिस्चार्ज पेशेंट को ले जाना है और यहाँ से कई किसी का वो सीरिया हो गया CCC में किसी को पहुँचाना है, आइसोलेशन वाला उसमें पहुँचाना है, और ये कभी कभार डेथ बॉडी आ जाता है उसको पहुँचाना है। ड्यूटी टाइमिंग नहीं होता है तो आप लोग 24 आवर्स ही ड्यूटी होता है आप लोगों का? हाँ, 24 आवर्स ही। तो आप लोग ये जो लंच टाइम ये सब टाइम कुछ ब्रेक मिलता है आप लोगों काम का समय? नहीं, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि दिन में कभी कभी पेशेंट डिस्चार्ज नहीं मिलने से वैसे रेस्ट भी हो जाता है, और ऐसे कभी कभी इमरजेंसी होता है कि कभी कभार लंच का टाइम भी नहीं होता है। आप लोगों को प्रिकॉशन मेजर्स आप लोगों को देते क्योंकि आप लोग पेशेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कभी कभी आप लोग जो डेड हो जाता है एक्सपायर होता है वो आदमी लोगों को भी आप लोग जगह तक पहुँचाते हैं, तो आप लोगों को प्रिकॉशन मेजर्स आप लोगों को सब लोग देते हैं? हाँ, सब कुछ देते हैं PPE के साथ में, और इसमें डेड बॉडी ले जाना है तो लेबर भी भेजता है PPE के साथ में। एम्बुलेंस में मेरा हमको गिन के मेरा साथ में जैसे कि डेड बॉडी हो गया तो मेरा साथ दो लेबर भेजेगा। अभी बीच में तो ड्राइवर अभी तो ये हो गया, रिलीवर मिला है 15 दिन या 10 दिन करके अभी थोड़ा, उसके बाद फिर इसमें आइसोलेट क्वारंटाइन बैठ के 5 दिन ऐसे बैठ के फिर घर जाके रेस्ट कर सकता है, तो 5 दिन फिर रेस्ट कर फिर आना पड़ेगा। अच्छा, ये कब से स्टार्ट हुआ रिलीवर का, क्योंकि पहले आप लोग ऐसे कुछ था क्या रिलीवर था? रिलीवर का स्टार्ट आपका 1 महीना ऐसे कुछ से शुरू हो रहा है आगे से। आप लोगों को घर जाने मिल रहा है अभी? हाँ, अभी तो हाँ घर जाने मिल रहा है। कितने दिन के बाद मिलता है, मतलब आइसोलेशन कितने दिन होना पड़ेगा इसमें ना? इसमें आप जैसे है कि आपका जैसे कि 15 दिन इसमें ड्यूटी करना है, फिर 60 दिन आइसोलेशन बैठना है, उसके बाद घर जा सकता है, फिर आप उसमें जाके घर में जाके फिर 7 दिन जैसे घर में रेस्ट करके 8 दिन रेस्ट करके फिर आना पड़ेगा, रिलीवर को फिर चेंज करेगा। अब जब वापस जब घर जाता है तो घर में मतलब जो अपना खास पड़ोस का लोग होता है, क्या आप लोग के साथ कुछ कभी डिफरेंसेस होता है या फिर आप लोग को बहुत एक्सेप्ट करता है, अच्छा काम कर रहा है ऐसा बोलते? नहीं, एक्सेप्ट करता है अपना जगह में। तो अभी तो शुरुआत में कुछ तकलीफ हुआ था क्या आप लोगों? नहीं, ऐसे तो अभी तक तकलीफ तो महसूस नहीं हुआ हमको इसमें। और आप लोग जब ड्यूटी करते हैं तो आप लोग कहाँ रहते हैं? ओके, हम लोग को तो यहाँ पे ड्यूटी के लिए इसमें रूम दे के रखा है अपार्टमेंट में, ये MLA अपार्टमेंट है डी ब्लॉक में D5 में रूम दे के रखा है। अभी तो फिलहाल कॉन्टीजेंसी में है। आप लोगों को सैलरी वगैरह ठीक ठाक मिलता है ना? सैलरी ठीक दे रहा है। एम्बुलेंस कितना? और यहाँ में तो एम्बुलेंस, यहाँ पे तो एम्बुलेंस अपार्टमेंट में यहाँ में एक है, और यहाँ का तो हम यहाँ का जैसे कि ईटानगर में कोई सीरियस पेशेंट हो गया ये कैपिटल ईटानगर में, सामने वाला को हम जाके लेके आएगा रात होने से भी दिन होने से भी, और जाकर ट्रिम्स में जैसे कि ट्रिम्स का हो गया वो लोग का उधर फिर गाड़ी दूसरा उधर का बुकने वाला पेशेंटों को। आप लोग का जो कुछ प्रोटोकॉल होता है क्या, जैसे कि अगर जो सीरियस पेशेंट हो गया उसको कैसे लेके आना है, और जो एसिम्प्टोमेटिक है उसको कैसे लेके आना है, और जो डेड बॉडी है जो डेड हो जाता है एक्सपायर हो जाता है उनको कैसे लेके आना है, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल है आप लोगों के पास इसमें? ये जो अभी का एम्बुलेंस में तो आपका तो पूरा ये है, ये बंद है जो पीछे जो जामे बैठा है पूरा सील मार के रखा है, ये बंद है, और उसमें तो ये है, फिर ये PPE ये सब पहनना पड़ता है, PPE पहन के जाना पड़ता है, जैसे डेड बॉडी होने से भी PPE लेके जाना पड़ेगा पहन के, और ये एसिम्प्टोमेटिक को भी PPE पहन के जाना पड़ेगा, और सिम्प्टोमेटिक नहीं वालों को भी PPE पहन के जाता है। रिलीवर कितना है? रिलीवर इसमें हम और एक दो लड़का ही है, दोनों चेंज करता है। तो उसका नाम आप बता सकते हैं? हाँ, उसका नाम है तबागुया। तो वो अभी रिलीवर में है? हाँ, वो अभी छुट्टी में है। तो उसको आने का बाद? वो आने का बाद हम इसमें फिर 7 दिन बैठना है, चेक टेस्ट उस करेगा उसका, फिर हम चला जाएगा। घर में कौन कौन है? मैं हम तो ये एलोंग का है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का, तो मेरा घर में है माँ है, पिताजी SSB में है, और माँ तो हाउस वाइफ है, और 2 बहन है, 1 भाई है। फोन में बात करता है। वो लोग वही वो लोग तो वही है कि यही बोलता है कि संभाल के काम करो, अच्छा काम कर रहा है, वो लोग भी वही बोलते हैं रिस्पॉन्स तो। और मेरा है बीवी है और एक बेटी है 3 साल का। तो उन लोगों को सब लोग
लास्ट टाइम कब मिला था उसको? बेटी को कब देखने गया था? बेटी को तो अभी तो जब से आया देखने नहीं मिला है। मतलब आपका अपना बीवी और अपना बच्चा को अब तक आप नहीं देखा? नहीं, यहाँ जब से इधर आया तब से नहीं, मिलने नहीं गया। आप लोग का जो हायर अथॉरिटी जैसे डॉक्टर लोग हो गया जो अंदर में काम करते हैं, उन लोगों से हम लोग बात बात करते हैं कि कैसे मतलब क्या करना है और कैसे ठीक करना है, कैसे प्रिकॉशन लेना है, आप लोग को बताते हैं? हाँ, वो लोग भी बताता है। अब और आप लोग को दूसरा है कि आप लोग जो पी पी किट हो गया, सैनिटाइजर हो गया, गाड़ी में हो गया ऐसे बोतल में देता है, काली करके डालना है, खुद हमेशा उसको यूज करना है, सब वो तो है। अभी तक तो अभी का इसमें तो मेरा पहुँचाला तो ये 5 कुछ हुआ ये, मतलब उसमें डेड बॉडी जो, वो भी आपका पहले तो फर्स्ट एसओपी में तो वो लिस्ट तो नहीं था कि घर पहुंचाना है बोल के। अभी का सेकेंड न्यू वाला, अभी का न्यू एसओपी में तो है कि घर पहुंचाने का, साइड में पहुंचाने का, तो वो तो हम परसों उस दिन ही एक पहुंचा के आया है। आपको मैसेज लास्ट एक मैसेज मांग रहा था कि आप पब्लिक को क्या बोलना चाहेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो हम जैसे बता रहा था कि आप लोगों ने जिंदा आदमी को भी देखा है और जो मर गए उसको भी आप लोगों ने देखा है कोविड को लेकर के ना, तो ये चीज़ कितना सीरियस है और आप लोग पब्लिक आप लोग जैसे काम जो काम कर रहे हैं आप लोगों ने तो अपना आँखों से सामने में देखा है आप लोग, तो आप लोग पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहिए? वही है कि ये अभी का इसको जो है कि कोरोना इस समय में इसको मजाक नहीं लेना है, ये बहुत रिस्की है, और हो सकेगा जितना हो सकेगा गैदरिंग को अवॉइड कीजिए और जितना हो सकेगा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। टॉमी पॉलिटेक्निक कॉलेज बसार डायरेक्ट और APJEE एडमिशन्स फॉर 3 years डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन सिविल EEE एंड CSE स्कॉलरशिप बेनिफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कैंपस इंटरव्यू इन सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स बाय साउथ इंडियन मैनेजमेंट।